कहाँ से आया? ये तो बहुत स्टोरी तो मैं सोचता रहता हूँ, तो ऐसे ही सोच के आया और क्या, कहाँ से आएगा? सी ये फिल्म जो है ना, ये फैमिली रिश्तों के बारे में फिल्म है, यू नो, एक फैमिली, एक मैरिज के अराउंड ये फिल्म घूमती है। काफी रोमांस है, काफी एंटरटेनमेंट है, ड्रामा है, लेकिन मैं बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि इस फिल्म में जो द मोस्ट क्रूशियल इम्पोर्टेंट सेगमेंट इज द इमोशंस, द इमोशंस विच इज द फैमिली, द फैमिली इमोशंस, द रिलेशंस विद इन द फैमिली, बिटवीन फादर एंड सन, बिटवीन फादर एंड डॉटर, एंड उसी के बीच में यू नो एवरीथिंग इज नेगेटिव, बट व्हेन यू सी द फिल्म एट द एंड यू विल फाइंड अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग आउट ऑफ दैट, दैट इज द एम। मनीष जी, आप बतौर चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार संतोषी जी के साथ काम कर चुके हैं काफी बड़ी बड़ी उनकी फिल्मों पर टू हेल्म अ मूवी लाइक दिस विद ये इतने सारे और बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी स्टार कास्ट, ये पूरा एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा रहा? बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप। डेफिनेटली मैं इन मोस्ट ऑफ देम, इनके साथ मैंने काफी पहले भी काम किया है। अक्षरा विमान इनके साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, गुरमीत के साथ भी पहली बार, कविता के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन बाकी लोगों के साथ मैंने सुहासिनी जी के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ। लेकिन जो संजय जी हैं, सौरभ जी हैं, उन लोगों के साथ मैंने काफ़ी काम किया है, तो कंफर्ट लेवल तो रहता है। इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी काफ़ी, बहुत इसमें सारे जो रोल सब बहुत पावरफुल रोल है, ठीक है, डेफिनेटली वो तो इस फिल्म की रिक्वायरमेंट थी कि अच्छे अच्छे एक्टर हो, तो पंचेज वो जो डायलॉग्स वगैरह सब अच्छे से आए, तो मैंने सोचा कि अच्छे एक्टर के साथ काम करो तो शायद लाइफ में कुछ अच्छा होगा।